Hello everyone and welcome to our channel Desi Couple on the Go, जिसमें मैं मेघा और सौरभ जो कैमरा के पीछे है और ये वीडियो शूट कर रहा है जाते हैं बहुत सारी कंट्रीज और बनाते हैं बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए ताकि आप हो सके इंस्पायर इन ब्यूटीफुल प्लेसेस को देखने के लिए और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप इस वीडियो के जरिए ये ब्यूटीफुल प्लेसेस देख सकें. तो अगर आप हमारा चैनल देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम अभी नॉर्वे घूम के आए और उसमें हमसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि अगर वो नॉर्वे प्लान करना चाहते हैं तो वो कैसे प्लान करें. तो इस वीडियो में मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपको चाहिए इंडिया से नॉर्वे की ट्रिप प्लान करने के लिए. ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट्स में आएगा और ये पार्ट 1 का वीडियो है और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपका वीज़ा का रिक्वायरमेंट्स क्या होना चाहिए, आपका फूड का रिक्वायरमेंट्स क्या होना चाहिए, क्या आपका बजट होना चाहिए, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, रेंटल कार अगर आपको चाहिए तो वो कैसे बुक कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको खुद प्लान करनी हो तो वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में. जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरी ट्रैवल इटिनरी क्या थी, तो आप उसको सिंपली फॉलो कर लीजिए और जैसे हम लोग घूमे थे नॉर्वे आप घूम सकते हैं. और थर्ड वीडियो आने वाला है कि अगर आप हमारी ट्रैवल इटिनरी नहीं बट बिल्कुल बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, तो क्या ट्रैवल इटिनरी होनी चाहिए, वो मैं दूंगी थर्ड पार्ट में. तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है बहुत सारा कंटेंट, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन. तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगे या आपको अब सेव करनी हो तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं सारे वीडियोस के जो कि इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस के लिंक जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उनके लिंक्स को मैं रख दूँगी, मतलब मैं पेस्ट कर दूँगी, तो आप उस वीडियोज़ पर भी जा सकते हैं और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. और अब बिना रुके लेट्स जंप टू दिस वीडियो. बट सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कोई इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में नहीं है और वो आपको चाहिए आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए तो मैं या सौरभ दोनों उसका रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो. तो नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है और बट आती है शेंगन के अंदर ही. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है वीज़ा का और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही थी क्योंकि अगर आप शेंगन वीज़ा लगाते हैं तो आप नॉर्वे आराम से घूम सकते हैं. येस, नॉर्वे कम्स अंडर शेंगन वीज़ा, तो आप शेंगन वीज़ा लगाइए और नॉर्वे को घूम सकते हैं. जैसे कि आप इटली या स्विट्ज़रलैंड या फ्रांस घूम सकते हैं वैसे ही नॉर्वे भी सेम ही वीज़ा में आता है. आप वीज़ा कैसे लगा सकते हैं उसके लिए है VFS साइट. येस, आप VFS साइट पर जाइए और वो VFS साइट के लिंक मैं नीचे दे दूंगी और मैं आपको अभी उस साइट पर लेके भी चलती हूँ और बताती हूँ कि नॉर्वे के लिए वीज़ा कैसे लगा सकते हैं. तो आप गूगल पर जाके सर्च करिए VFS नॉर्वे वीज़ा फ्रॉम इंडिया, तो आपको VFS की साइट मिल जाएगी और एग्जैक्टली नॉर्वे और इंडिया दोनों के लिए मिल जाएगी. तो आप उस पर क्लिक करिए और फिर बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. आप के पास नो योर वीज़ा टाइप, हाउ टू अप्लाई आफ्टर सबमिशन. तो हम लोग शॉर्ट टर्म वीज़ा पे क्लिक करते हैं और जब शॉर्ट टर्म वीज़ा पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे चेकलिस्ट व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड उस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिल करते हैं कि हम कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं. सो वी आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, सो लेट्स टाइप इन इंडिया देयर और चूज़ और फिर यहाँ पे चेकलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो वो हमें डायरेक्टली नॉर्वे की वेबसाइट पे ले जाता है और वहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो विज़िटर वीज़ा है वो हम लोग को 90 डेज के लिए मिलेगा. और अगर जाके नीचे देखते हैं तो उसमें सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. तो आपको अप्लाई करना है, तो अगर आपको अप्लाई करना है नॉर्वे के लिए तो इन एडवांस अप्लाई करना होगा 15 डेज बिफोर यू प्लान टू ट्रैवल एंड अगर 3 मंथ्स बिफोर यू प्लान टू डिपार्चर. सो अगर जैसे दिसंबर में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको सितंबर में अप्लाई करना पड़ेगा. और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसका भी पूरा चेकलिस्ट वहाँ पे मेंशन है. तो टूरिस्ट वीज़ा का चेकलिस्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो वो पूरा का पूरा चेकलिस्ट आ जाएगा विथ व्हाट सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वी नीड
उसमें सारा डिटेल्स मेंशन है, तो आप उसे देख लीजिए. और अगर हम देखेंगे उसमें सब मेंशन है, कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट चाहिए फॉर लास्ट 6 मंथ्स, तो सारा जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो सारा उसमें लिखा हुआ है. अब और देखते हैं कि क्या क्या और इटिनरी के लिए चाहिए, तो वो भी सारा मेंशन है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो वो रजिस्टर योर एप्लीकेशन इन दिस एप्लीकेशन पोर्टल. और अगर फीस का बात करें तो 60 यूरोज फीस है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज़. और सर्विस फी अलग है, और इंडिया के लिए वो 20 यूरोज़ है, विच इज़ अराउंड 1,600 रुपीज़. और अभी और अगर चेक करेंगे आगे, लेट्स सी प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है, तो यूजुअली वो बोल रहे हैं 15 डेज़ का टाइम लगता है, बट वो 30 डेज़ तक भी जा सकता है. सो यू हैव टू बी रियली प्लान इन एडवांस. मैंने एक डिटेल्ड वीडियो शेंगन वीज़ा के लिए ऑलरेडी बना रखा है, और उसका जो लिंक है वो मैं यहाँ पे भी लगा दूँगी और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मेंशन कर दूँगी उस वीडियो का लिंक. तो आप उस पर ज़रूर जाइए, और उसमें और भी बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, तो उसको जाके ज़रूर चेक करिए. तो अब बात करते हैं हम फ्लाइट्स की. नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, और सबसे अच्छा एयरपोर्ट पहुंचने के लिए नॉर्वे में वो है ओस्लो का एयरपोर्ट. तो आप अपनी फ़्लाइट इंडिया से कोई भी जो मेजर सिटी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आप वहाँ से बुक करिए ओस्लो के लिए. और मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी बेस्ट अवेलेबल फ़्लाइट्स है, और ऑफकोर्स आपको आपके डेट्स के अकॉर्डिंगली चूज़ करनी होगी. तो मैंने जैसे अपने और भी पुराने जो ट्रिप के प्लानिंग वीडियोज़ है उसमें बताया है कि आप फ़्लाइट कैसे बुक कर सकते हैं, सिमिलरली आप नॉर्वे के लिए भी सेम तरीके से ही फ़्लाइट बुक कर सकते हैं. बट मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अभी आप नॉर्वे का फ़्लाइट को बुक कर सकते हैं. आजकल सबसे अच्छा जो तरीका हो गया है चीप फ़्लाइट्स ढूंढने का, वो है गूगल का फ़्लाइट्स. मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसी के थ्रू सारी फ़्लाइट्स को चेक करती हूँ. तो आप चेक करिए, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिल्ली टू ओस्लो. तो आप जिस सिटी से आना चाहते हैं उस सिटी से आप चेक कर सकते हैं. और मैं यहाँ पे डेट्स डालूँगी जून का, क्योंकि समर मंथ्स है और समर मंथ्स की बात अलग होती है. तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जून का, बट आपका जो भी प्रेफर्ड मंथ है जहाँ जब आप ट्रैवल कर सकते हैं आप वो यहाँ पे डेट्स डालिए. एंड आई एम चूजिंग 5th of June टिल लेट्स सी 12th of और लेट्स मेक इट टिल 14th of June. सो पूरा का पूरा हमारे पास ऑलमोस्ट 10 डेज हो जाएगा. और इसको चेंज कर देते हैं टू इंडियन रुपीज़, तो सारे प्राइस रुपीज़ में आने लगेंगे. और अगर देखते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. ये तो बहुत ही चीप ऑप्शन है, और ये इथोपियन एयरलाइंस है, और 39,167 रुपीज़ की ये है. बट आप ये देखिए, इसमें ओवरनाइट लेओवर है. और देखते हैं और क्या ऑप्शन आ रहे हैं. तो एक और ऑप्शन आ रहा है विच इज़ एयर इंडिया एंड ऑस्ट्रियन एयरलाइंस का मिक्स है इसके अंदर, और ये 51,669 रुपीज़ की फ़्लाइट है, और इसमें भी ओवरनाइट लेओवर है. तो आप ये ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि आपका जो पूरा प्लान है उसमें आप एफर्ट कर सकते हैं कि नहीं ओवरनाइट का एक लेओवर, क्योंकि उससे आपका एक दिन जा सकता है, लाइक एक दिन और एक रात. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है चेक करना, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको फिजिबल है तो वो फ़्लाइट्स आप बुक कर लीजिए. गूगल फ़्लाइट्स के अलावा और भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छी डील्स मिल सकती हैं फ़्लाइट की. और मेरी फेवरेट है मोमोंडो, कयाक और स्काई स्कैनर. तो आप इन तीनों पर भी जाके चेक कर सकते हैं. इन तीनों का एल्गोरिथम बहुत अच्छा है जो आपको बेस्ट डील्स दे सकता है. मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है हाउ टू बुक चीप फ़्लाइट्स. वो वीडियो ज़रूर चेक करिए, उसमें आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे जिससे आप बुक कर सकेंगे अपनी चीप फ़्लाइट्स. तो अब बात करते हैं हम नॉर्वे के सीजन्स की, या नॉर्वे के वेदर की. तो नॉर्वे में भी 4 सीजन्स होते हैं, जैसे कि हर यूरोपियन कंट्री में होते हैं, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. और सबसे जो बेस्ट टाइम होता है जाने के लिए नॉर्वे वो है समर टाइम, क्योंकि तब होते हैं लॉन्ग डेज, ठंड नहीं रहती है, आप घूम सकते हैं, डे लाइट ज़्यादा होता है. और अगर आपको मिडनाइट सन देख रहा है तो वो भी होता है समर में. और मिडनाइट सन आप कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. तो आपको अगर मिडनाइट सन देखना है तो आपको नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल के रीजन में जाना होगा. और जो पीरियड है जब मिडनाइट सन होता है वो है बिटवीन मई टू जुलाई.
अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक लोकेशंस की. तो जो अभी आपको मैप में दिख रहे हैं, जो मैंने पिन कर दिए हैं सारे लोकेशंस, वहाँ से आपको मिडनाइट सन दिख सकता है. और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास सेव हो जाए, और जब आप अपनी नॉर्वे की ट्रिप प्लान करें तो आप इन स्पेसिफिक लोकेशंस पे जाके रह सकते हैं और मिडनाइट सन को इन्जॉय कर सकते हैं. बट अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जाना चाहिए ऑफ पिक सीजन में. और ऑफ पिक सीजन्स क्या होते हैं? ऑटम या स्प्रिंग. तो आप ऑटम या स्प्रिंग में जाइए तो आपको तो ऑफ पिक सीजन्स होंगे, तो आपको आराम से थोड़े कम प्राइसेस में हर चीज़ मिल जाएगी. और अब बात करते हैं हम विंटर मंथ्स की. नॉर्वे फेमस है अपने नॉर्दर्न लाइट्स के लिए, और काफ़ी सारे लोगों के बकेट लिस्ट में होता है कि उन्हें नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है. तो अगर आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है तो आप जाइए विंटर में, या फिर जाइए एंड ऑफ ऑटम में, या बिल्कुल स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग में, तो भी आपको दिख सकता है. तो वो भी बहुत बेस्ट टाइम है अगर आपको नॉर्दर्न लाइट्स स्पेसिफिकली देखनी है. तो नॉर्दर्न लाइट्स के लिए भी आपको जाना होगा नॉर्थ पार्ट में ही नॉर्वे के, और मैंने सारे लोकेशंस को पिन डाउन कर दिया है. तो आप यहाँ पे वापस से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहते हैं, और फिर स्पेसिफिकली इस एरिया में अपने अकोमोडेशन को बुक कर सकते हैं और फिर आराम से नॉर्दर्न लाइट्स को इन्जॉय कर सकते हैं. मैंने एक और भी डिटेल वीडियो बनाया है अबाउट विच इज़ द बेस्ट मंथ टू ट्रैवल इन यूरोप, उसे भी ज़रूर देखिए. और उसमें काफ़ी सारे टिप्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कि आपके लिए बेस्ट मंथ कौन सा है ट्रैवल करने के लिए. तो अब बात करते हैं हम क्लोथ्स की. हाँ, क्लोथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किस टाइप के क्लोथ्स आपको चाहिए अगर आप नॉर्वे में जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो अगर आप समर्स में नॉर्वे जा रहे हैं तो टेम्परेचर्स 30 डिग्रीज तक जाता है, तो आपको इतने सारे विंटर टाइप के कपड़ों की ज़रूरत नहीं है. आप नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं, नॉर्मल ड्रेसेस पहन सकते हैं जैसे हम लोग पहन रहे थे. बट हाँ, अगर आप समर्स में भी थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट में जाते हैं तो वो काफ़ी विंडी हो सकता है, तो तब आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास एक नॉर्मल विंटर जैकेट हो और थोड़ा सा लेयरिंग करने के लिए भी हो, मतलब एक दो स्वेट टी शर्ट्स हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और नॉर्वे फेमस है कि वहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, लाइक वन आवर में सन हो रहा है और अगले आवर में बारिश हो सकती है, तो आपके पास होना चाहिए एक रेन जैकेट और एक अम्ब्रेला भी अगर आप लेके जा सकते हैं तो वो भी अच्छा है. अब बात करते हैं शूज़ की. तो अगर आप समर्स में जा रहे हैं तो नॉर्मल आपके फ्लोटर्स या नॉर्मल जो शूज़ होते हैं स्पोर्ट्स शूज़ वो ले सकते हैं, क्योंकि कंफर्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉक बहुत करना पड़ सकता है. तो आप नॉर्मल शूज़ लीजिए, आपको ग्लव्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको आपका कुछ कैप्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट नॉर्मल जो कपड़े हैं समर्स के लिए वो आप आराम से पहन सकते हैं. अब बात करते हैं हम विंटर की. अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो फिर आपको बहुत ध्यान रखना होगा. आपको आपके पास होना चाहिए प्रॉपर लेयर्स. आपको ये पता होना चाहिए कि एक थिक स्वेटर से ज़्यादा अच्छा होता है बहुत सारी लेयरिंग. तो आपके पास होनी चाहिए बहुत सारे स्वेटशर्ट्स, बहुत सारे थर्मल वेयर्स, बहुत सारी टी शर्ट्स, और अगर आप पैंट्स या जीन्स पहन रहे हैं उसके अंदर भी आपके पास थर्मल वाले लेगिंग्स होने चाहिए, उसके ऊपर आपको एक और लेगिंग्स पहननी चाहिए. मतलब जितनी लेयरिंग कर सकते हैं उतना अच्छा है, और उसके ऊपर आपके पास प्रॉपर विंटर जैकेट होना चाहिए और प्रॉपर विंटर शूज, बूट्स होने चाहिए और ऑफ कोर्स ग्लव्स होने चाहिए. और मेरे हिसाब से तो जब मैं आइसलैंड गई थी ऑलमोस्ट वैसा ही वेदर रहता है, तो दो तीन ग्लव्स होना तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि आप अपने ग्लव्स में भी लेयरिंग कर सकते हैं. और ऑफ कोर्स प्रॉपर विंटर कैप होनी चाहिए और मफलर होना चाहिए ताकि अपने आप को आप पूरी तरीके से कवर कर सकें. अब हम बात करते हैं स्प्रिंग और ऑटम सीजन की. अगर आप स्प्रिंग और ऑटम सीजन में जाते हैं जो कि बजट सीज़न है, तो वो बहुत ही अच्छे सीजन्स हैं, आप काफ़ी सारा पैसा सेव कर सकते हैं. बट हाँ, वेदर कैसा रहता है? वेदर अभी भी थोड़ा थोड़ा ठंडा रहता है, तो आपको लेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और विंटर जैकेट जो होते हैं वो भी ले जाना बहुत ज़रूरी है. मेरा सजेशन ये होगा कि आप थर्मल वेयर भी ले जाइए, क्योंकि अगर आप नॉर्दर्न पार्ट में जाते हैं जैसा यूजुअल है तो आपको वहाँ पर ठंड लग सकती है, तो एक थर्मल वेयर तो ज़रूर लेके जाइए और ग्लव्स भी लेके जाइए, मफलर भी लेके जाइए और ऊपर का विंटर कैप भी लेके जाइए. हाँ, इतनी ज़्यादा लेयरिंग की ज़रूरत नहीं होगी, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ आप थोड़ा बहुत लेयरिंग्स लेके जाइए. और जो बाकी के आपके क्लोथ्स हैं या जो आपके शूज़ हैं या जो बाकी ग्लव्स हैं, वो आपके एक्टिविटी पे भी डिपेंड कर सकते हैं. तो जैसे हम लोगों ने की थी हाइकिंग, ट्रोल टुंगा की हाइकिंग, तो हम लोगों ने लिए थे स्पेशली हाइकिंग शूज़ और एक स्पोर्ट्स वेयर भी, तो जो हाइकिंग के लिए प्रेफरेबल होता है. तो आप भी अगर हाइकिंग करना चाहते हैं तो हाइकिंग के शूज़ लीजिए और हाइकिंग का ट्रैक पैंट और हाइकिंग की शर्ट लीजिए और एक
रेनकोट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, रेनकोट ज़रूर लीजिए। अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिसका नाम है व्हाट टू पैक फॉर यूरोप ट्रिप, उसको जाके ज़रूर चेक करिए। अब बात करते हैं हाउ कैन यू बी ऑनलाइन, मतलब आप इंटरनेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे इंटरनेट है, मतलब वाईफाई है, बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको चाहिए आपका खुद का डेटा तो आपको लेनी होगी वहाँ की लोकल सिम। और लोकल सिम के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है लबारा का। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए कोई सिम कार्ड खरीदने से पहले। तो आप नॉर्वे में ले सकते हैं लबारा का सिम, और वो आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट से नहीं मिले तो बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल हैं ओस्लो सिटी में, आपके मेन सेंटर में और होटल के पास भी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपको देना होगा एज अ प्रूफ आपका पासपोर्ट और होटल एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। जब आपको सिम मिलेगी तब उसमें कोई क्रेडिट नहीं होगा, तो आपको उसको रिचार्ज करना होगा, मतलब उसको पे क्रेडिट लाना होगा। और आपको मिल सकता है 129 NOK का, विच इज़ 1000 रुपीज़ का 1 GB का डेटा। अब बात करते हैं कि हम नॉर्वे में कहाँ पे रुक सकते हैं, मतलब वेयर वी कैन स्टे। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, होटल, हॉस्टल्स, अपार्टमेंट, और आप booking.com से, Airbnb से या हॉस्टल वर्ल्ड से अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं, जो आपको प्रेफरेबल ऑप्शन हो। हम लोगों ने booking.com और Airbnb दोनों को चूज़ किया था, और क्योंकि हम लोग घर में ही कुकिंग करना चाहते थे, हम लोग बाहर से खाना नहीं खाना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने प्रेफर किया था कि हमको अपार्टमेंट मिले ताकि जहाँ पर हम कुक कर सकें। तो हमारे सारे जो प्लेसेस थे, सारे जो अकोमोडेशंस थे, वहाँ पे कुकिंग का ऑप्शन अवेलेबल था। और यही मेरा टिप होगा, क्योंकि नॉर्वे एक बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है, तो आप अपार्टमेंट बुक करिए जहाँ पे आप कुकिंग कर सकें, ताकि आपके पैसे सेव हो सके। अब हम बात करते हैं कि आप नॉर्वे में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने तो रोड ट्रिप करा था, और वो ही सबसे बेस्ट ऑप्शन भी लगा है हम लोगों को एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप रोड ट्रिप करते हैं तो आप नॉर्वे के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ को घूम सकते हैं। बट अगर आप रोड ट्रिप नहीं कर सकते, मतलब आप कार नहीं ड्राइव कर सकते, तो आप यूज़ कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अगर आप सिर्फ ओस्लो सिटी घूमना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं ट्रैवल पास, और वो ट्रैवल पास आपको किसी भी स्टेशन पे मिल जाएगा, और वो 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स इसके अकॉर्डिंगली मिलता है। और अभी आप रुक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका प्राइस कितना है। पर आपको अगर इंटरसिटी ट्रैवल करना है, मतलब ओस्लो से किसी दूसरी सिटी जाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप ट्रेन से जा सकते हैं और बस से। हाँ, आपको दोनों के लिए टिकट एडवांस में बुक करना पड़ेगा। तो उसकी साइट है nsb.no, वो साइट पे आप जा सकते हैं और टिकट एडवांस में बुक कर सकते हैं। हाँ, बस का फ़ायदा ये है कि आपको वो रिमोट लोकेशन से जा सकती है, और उसकी जो साइट है वो है nor-way.no, और आप दोनों इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साइट पर जाके चेक भी कर सकते हैं कि उसका टाइम टेबल क्या है, और टिकट को बुक कर सकते हैं। और आप कार कैसे बुक कर सकते हैं अगर आप रोड ट्रिप करना चाहते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अब बताती हूँ। तो आपको अगर कार बुक करना है, मतलब आपको अगर रेंटेड कार लेना है, तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जा सकते हैं rentalcars.com पे, और भी बहुत सारी साइट अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो स्टार्ट होता है प्राइस वो है 2500 रुपीज़ पर डे, और जो फ्यूल आएगा उसका कॉस्ट आएगा 150 रुपीज़ पर लीटर, ये टोटल कॉस्ट है। और यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके ये वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि टोटल टोल का प्राइस आपको कितना लगेगा। अगर आपको और भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरा वीडियो जिसका नाम है हाउ टू ट्रैवल यूरोप बाय रेंटल कार, उसे ज़रूर चेक करिए। उसमें बहुत सारे टिप्स हैं जो आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे अगर आप बुक करना चाहते हैं एक रेंटेड कार। और अब होने लगी है बारिश, बट उसे बारिश हमें हमारे वीडियो को कंप्लीट करने से नहीं रोक सकती है। तो जो टॉपिक बच गया था वो था फूड, और फूड के लिए जैसे मैंने बोला कि नॉर्वे बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है, हम लोगों ने एक भी बार बाहर खाना नहीं खाया, हमने हमेशा ही अपने अपार्टमेंट में कुकिंग करी है, और उस कुकिंग का जो सामान था वो हम लोगों ने ख़रीदा है कीवी मिनी प्राइस से।
तो अब हम बात करते हैं बजट की। नॉर्वे बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है, तो जो मिनिमम बजट है वो एटलीस्ट 1 लाख to 1.3 लाख पर पर्सन होगा फॉर 7 डेज। बट अगर आप हमारी इटिनरी फॉलो करना चाहते हैं, हमारा 10 डेज का इटिनरी था, तो आपको देखना होगा हमारा पार्ट 2 का ट्रिप। उसमें मैं आपको बजट और हम लोग क्या क्या लोकेशंस पे गए थे वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो आप आसानी से वो वाला इटिनरी को फॉलो करके अपना प्लान बना सकते हैं। और आप बिल्कुल अगर बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसका मैं पार्ट 3 बनाऊंगी, तो आप वो वाली इटिनरी को फॉलो करके बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। अब होने लगी है बहुत ही ज़्यादा बारिश, बट मैं इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा हैंडल है देसी कपल ऑन द गो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंड इट स्टार्ट्स टू रेन मोर।